हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों, 3 फरवरी 2021 की मार्केट की समाप्ति के बाद चलिए करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस और साथ में ऑप्शन चेन के भी डेटा को एनालाइज करेंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले आज ओवरऑल मार्केट ने इस ट्रेडिंग सेशन के दौरान परफॉर्मेंस कैसा दर्शाया उसका एक अवलोकन कर लेते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी आज फिर शानदार परफॉर्मेंस के साथ 0.97% की बढ़ोतरी में ग्रीन में क्लोज हुआ और इसके 50 स्टॉक्स में से 40 स्टॉक्स ग्रीन में थे, जबकि 10 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो रेड में क्लोज हुए। निफ्टी जूनियर की अगर बात करें तो दोस्तों, निफ्टी जूनियर ने निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर परफॉर्म तो नहीं किया, फिर भी वो ग्रीन में क्लोज हुआ 0.48% की बढ़ोतरी के साथ। इसके 50 स्टॉक में से 29 स्टॉक्स ग्रीन में थे और 21 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए दोस्तों। निफ्टी मिड कैप की बात करें दोस्तों, तो अगेन शानदार परफॉर्मेंस, बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया और 1.79% की बढ़ोतरी के साथ ये ग्रीन में क्लोज हुआ। एक्सटेंट ऑफ बुलिशनेस समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसके दोस्तों 50 स्टॉक्स में से 39 स्टॉक्स ग्रीन में थे और 11 स्टॉक्स रेड में थे दोस्तों। अब बैंकिंग स्पेस को देखते हैं दोस्तों, तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखा गया और बैक टू बैक देख रहे हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये इंडेक्स 1.43% की बढ़ोतरी के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ। इसके दोस्तों 12 स्टॉक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें 10 स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए, जबकि 2 स्टॉक ऐसे थे जो बेरिश थे और रेड में क्लोज हुए। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में दोस्तों अगर बात करें तो ये इंडेक्स भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ 1.2% की बढ़ोतरी के साथ ग्रीन में क्लोज हुआ। इसके 20 स्टॉक में से दोस्तों 19 स्टॉक्स ग्रीन में थे और सिर्फ एक स्टॉक ऐसा था जो रेड में क्लोज हुआ दोस्तों। तो ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस था मार्केट का। चलिए अब प्राइस चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी के प्राइस चार्ट पर और बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी हमसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को। दोस्तों, आज निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई दोस्तों वो हुई 14,789.95 पर। आज मार्केट काफी वोलेटाइल हुआ और एक काफी बड़े रेंज में आज की ट्रेडिंग संपन्न हुई दोस्तों। अगर यहां पर देखें दोस्तों तो मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद एक लार्ज लोअर शैडो इंडिकेट करती है कि बेयर्स ने प्राइस को पुश डाउन करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली वो सफल नहीं हुए दोस्तों और प्राइस में बाइंग आई और बाइंग के पश्चात ये एक ग्रीन टेरिटरी में क्लोज होता हुआ नजर आया दोस्तों। अब दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद क्या परिवर्तन हुआ है? पहले तो दोस्तों, ये जो गैप है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा जिसकी चर्चा की गई थी और वैल्यू आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद एक लार्ज लोअर शैडो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं डिमांड आती हुई नजर आई है जब मार्केट बहुत वोलेटाइल था। तो दोस्तों, अब ये आज का लो अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ प्राइस का पहले रिजेक्शन था तो 14,574 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। हमें दिमाग में ये भी रखना है दोस्तों कि कल जब मार्केट 4 फरवरी 2021 को ओपन होगा तो ऑप्शन चेन के वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी का दिन होगा। तो फिलहाल हम कल के रेंज की संभावनाओं के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे और उसके बाद एक ब्रॉडर रेंज आने वाले दिनों में क्या होगी उसकी चर्चा वीकली मार्केट आउटलेट का वीडियो, आउटलुक का वीडियो जो हर शनिवार के दिन दोपहर में 12 बजे आता है उसे देखिएगा, ताकि हम अपने आप को तैयार करते हैं आने वाले वीक के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये गैप है, लेकिन आज का 14,574 का लो इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर सेंस में समझें 14,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में इमर्ज हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक प्राइस का रिजेक्शन हुआ था और कल की कैंडल को देखें तो एक अपर शैडो का रिजेक्शन इंडिकेट करता है इस कैंडल की
कि 14,730 का जो लेवल है वो अब एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम बोल सकते हैं 14,574 से 14,730 का रेंज जो है वो इमीडिएट टर्म्स में डिमांड बैंड है और सपोर्ट बैंड है दोस्तों। तो याद रखने के लिए हम रख सकते हैं 14,500 से 14,700 का रेंज एक सपोर्ट बैंड है, डिमांड बैंड है, जो कल संभावित डिफेंड होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों पिछली इंपल्सिव वेव को देखें तो ये प्रायर इंपल्सिव वेव है दोस्तों। इस इंपल्सिव वेव का फिबोनाची एक्सपेंशन खींचते हैं तो अपर साइड में दोस्तों 127.2% एक्सपेंशन लेवल आता है 15,050 पर। तो हम ये मान के चल रहे हैं दोस्तों 15,000 से 15,100 का बैंड एक सप्लाई बैंड के रूप में देखेंगे, क्योंकि तो निफ्टी की क्षमता 15,000 को टच करने की क्लियरली नजर आ रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में स्पॉट मार्केट के प्राइस चार्ट को, और आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वही 34,758.45 पर, जो इस डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया गया है प्राइस चार्ट पे दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी काफी मार्केट वोलेटाइल देखा गया दोस्तों, और एक लार्ज लोअर शैडो इस बात का प्रतीक है कि इसमें भी बेयर्स ने प्राइस को पुश डाउन करने की कोशिश की। एक वक्त पर बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों रेड टेरिटरी में आ चुके थे और उसके बाद में दोस्तों बुल्स एक्टिव हुए, अल्टीमेटली प्राइस ऊपर क्लोज हुई दोस्तों। हम यहां पर क्या देख सकते हैं दोस्तों कि एक यहां पर गैप की चर्चा कल के एनालिसिस में की गई थी दोस्तों। तो एक मेजर सपोर्ट तो 33,000 से 33,500 का बनता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। अब दोस्तों यहां पे आज की कैंडल का जो लो है वो है दोस्तों, टू बी वेरी प्रिसाइज, आज के कैंडल का लो है 34,011.9। तो दोस्तों 34,000 एक इंटरवीनिंग सपोर्ट के रूप में काम करेगा और कल ऑप्शन चेन की एक्सपायरी के दिन 34,000 के लेवल के डिफेंड होने की संभावना नजर आ रही है दोस्तों। अपर साइड में बात करें तो इस प्रायर इंपल्सिव वेव का फिबोनाची एक्सपेंशन लेवल 161.8% आता है दोस्तों 35,200 पर। तो इसकी क्षमता है 35,200 तक जाने की। दोस्तों आपको याद होगा इस चैनल पे बहुत दिनों से हम निफ्टी के बारे में बुलिश है, बैंक निफ्टी के बारे में बुलिश है, और ये बार बार निफ्टी में 15,000 और बैंक निफ्टी में 35,200 की चर्चा करते आ रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों 35,200 एक रेजिस्टेंस के रूप में देख सकते हैं कल के प्रस्पेक्टिव में, और 34,000 एक इंटरवीनिंग सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट यहाँ पर है दोस्तों 33,000 से 33,500, क्योंकि ये गैप एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और ये रेजिस्टेंस का पिवट से जो ट्रेंड लाइन खींची गई है आप देखिए, ये भी करीब करीब 34,000 को एक सपोर्ट करती है, क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस थी अब ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं ऑप्शन चेन, निफ्टी के ऑप्शन चेन और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कहां पर है सपोर्ट और कहां पर है रेजिस्टेंस दोस्तों। तो दोस्तों ये निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को हम रेफर कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट 4 फरवरी को वीकली एक्सपायरी है दोस्तों, कल के दिन जब मार्केट खुलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम पुट साइड में देखें तो एक हाईएस्ट बिल्टअप यहाँ नजर आता है और काफी अच्छा खासा ओआई में चेंज यहाँ पर आज नजर आया है। तो दोस्तों 14,700 के स्ट्राइक प्राइस पर काफी हलचल नजर आई है आज, तो ये एक इंटरवीनिंग सपोर्ट के रूप में एक्ट करना चाहिए। और लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा ओआई बिल्टअप जो है यहाँ पर है जो 14,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है, तो 14,500 से 14,700 का जो बैंड है वो एक डिमांड बैंड या सपोर्ट के रूप में एक्ट करना चाहिए। अब कॉल साइड में देखते हैं दोस्तों तो हाईएस्ट डिसाइसिवली बिल्टअप यहाँ नजर आ रहा है दोस्तों, और ये दोस्तों 15,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है, तो 15,000 तक तो निफ्टी की क्षमता जाने की लग रही है, और वहां जाके कहीं ना कहीं प्राइस एक बार ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी। और फिबोनाची एक्सपेंशन से भी दोस्तों 15,050 का टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों। अब चलिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा को समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी में पुट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक साइजेबल बिल्डअप नजर आ रहा है और आज ओआई में अच्छा खासा चेंज भी है, काफी हलचल थी इस स्ट्राइक प्राइस पर और ये स्ट्राइक प्राइस है 34,000 की। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 34,000 शायद डिफेंड होता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी हमने एक इंटरवीनिंग सपोर्ट की चर्चा की इस लेवल पे दोस्तों, जहां पर आज लो बनाने के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग आती हुई हमने देखी दोस्तों। अब कॉल साइड में देखते हैं दोस्तों तो एक डिसाइसिवली यहाँ पर हाईएस्ट बिल्टअप नजर आता है, इवन यहाँ पे अनवाइंडिंग भी चालू हो गई है दोस्तों। तो आपने देखा प्राइस एक्सपांशन के अनुसार 35,200 तक क्षमता नजर आ रही है इसके जाने की दोस्तों, और 35,200 पे कुछ एडिशन हुआ है यहाँ पर आज हम देख सकते हैं। तो दोस्तों 35,000 में हाईएस्ट बिल्टअप है तो हम बोल सकते हैं 35,000 से 35,200 का जो लेवल है वो एक सप्लाई बैंड है, जैसा इसके डेटा इंडिकेट कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। हेलो फ्रेंड्स। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।